Page 90. Parallels of Latitude. Page 90. Pass. Page 90. Pastoralism. Page 90. Patent. Page 91. Pattern of Population Distribution. Page 91. Peninsula. Page 91. Percolation. Page 91. Perennial River. Page 91. Permafrost Page ninety one Permanent Winds Planetary Winds Page ninety one Permeability Page ninety two Permeable rocks Page ninety two pH value Page ninety two Photosynthesis Page ninety two phytoplankton Page ninety two Pi diagram Page ninety two Piedmont Page Ninety three Option Piedmont Page ninety three Pig iron Page ninety three Pisciculture Page ninety three Plain Page ninety three Plan Page ninety three Planets Page ninety three Plantation agriculture Page ninety three Plateau Page ninety three Plate tectonics Page ninety four Folders. page 94 polls page 94 population page 94 population change page 94 population composition page 95 population density page 95 population growth page 95 porosity page 95 port page 95 potential resources page 95 prairie page 95 precipitation page 95 prevailing winds page 95 primary activity page 95 primary food products page 96 primary industry page 96 primary producers page 96 primary sector page 96 prime meridian page 96 primitive subsistence agriculture page 96 private sector page 96 private sector industries page 96 public sector industries page 96 purvachal page 96 Purvanchal. page 97. Now let's move to letter P of the Dictionary of Geography starting at page 90. P. magnetism, Faint traces of polarization in igneous and sedimentary rocks which contain magnetite and hematite. These have been preserved ever since the rocks were formed. In other words, ड्यूरिंग रॉक फॉर्मेशन पीरियड मैग्नेटिकली ससेप्टेबल मिनरल्स गॉट अलाइंड विद मैग्नेटिक पोल ऑफ दी अर्थ पुरा चुंबकत्व मैग्नेटाइट और हेमेटाइट वाली आग्नेह एवं अवसादी शैलों में ध्रुवण के मंद अवशेष यह तब से परिरक्षित हैं जब से शैलों का निर्माण हुआ है दूसरे शब्दों में शैल निर्माण के समय में चुंबक संवेदी खनिज पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की सीध में आ गए कदीम मकनातीसियत मैग्नेटाइट और हेमेटाइट वाली आतिश फिशानी और रसूबी चट्टानों में कुतबियत के हल्के आसार ये उस वक्त से महफूज हैं जब से चट्टानें बनना शुरू हुईं दूसरे लफ्ज़ों में चट्टानों के बनने के दौरान मकनातीसी तौर पर हसास मादनियात ज़मीन के मकनातीसी कतुब की सीध में आ जाती हैं पंपस the एक्सटेंसिव temperate ग्रासलैंड फाउंड इन साउथ अमेरिका पर्टिकुलरली इन अर्जेंटीना एंड uruguay the टर्म is ऑफ स्पैनिश ओरिजिन पंपास दक्षिण अमेरिका विशेषतया अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में पाए जाने वाले विस्तृत शीतोष्ण घास के मैदान यह शब्द स्पैनिश मूल का है पंपास जनूबी अमेरिका, खासकर अर्जेंटाइना और यूरोवे में पाए जाने वाले मतदिला घास के वसी मैदान यह हस्पानवी जुबान की अतला है पैंजिया अ सुपर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्ट इन द वेरी डिस्टेंट जियोलॉजिकल पास्ट इट कंटेन्ड ऑल लैंड मैसेज प्रेजेंट ए कॉन्टिनेंट्स एंड वॉज सराउंडेड बाय अ वास्ट ओशन कॉल्ड पैंथलैसा अ नेम गिवन बाय एल्फ्रेड वेग्नर हु प्रपोज द थियोरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सजेस्टेड दैट दिस सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोकअप टू फॉर्म गोंडवाना लैंड एंड लोरेजिया विच ग्रेजुअली ड्रिफ्टेड अ पार्ट टू फॉर्म द प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स पैंजिया एक महा महाद्वीप जो बहुत पहले भूवैज्ञानिक अतीत में विद्यमान था इसमें सभी भूखंड आज के महाद्वीप सम्मिलित थे एवं यह एक विशाल महासागर पेंथालासा से घिरा हुआ था यह नाम एल्फ्रेड वैगनर द्वारा दिया गया जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था कि यह महामहाद्वीप गोंडवाना लैंड एवं लोरेजिया में विघटित हो गया जो धीरे धीरे विस्थापित हो गए और आज के महाद्वीप बन गए पेंजिया एक वसी बर्रजम जिसका वजूद बहुत ही कदीम अर्जियाती माजी में था इनमें सभी ज़मीनी जिसामतें मौजूदा बर्रज़म यानि खुश्की के तमाम हिस्से यकजा थीं और एक वसी बहर आज़म से घिरी हुई थीं जिसको पंथालसा कहा जाता था ये नाम एल्फ्रेड वैग्नियर ने दिया है जिसने बरआजमी सरकाव का उसूल पेश किया था और तजवीज़ किया था कि ये वसी बर्रजम गोंडवाना लैंड और लारीशिया में मुनकसम हो गया जो रफ्ता रफ्ता एक दूसरे से अलग से गए Parallels of Latitude. All imaginary lines running east west around the earth making circles parallel to each other. The equator, zero degree latitude, is the biggest circle and hence called a great circle. All other parallels decrease in length away from the equator. द टू पोल्स एट 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ विच आर पॉइंट्स अक्षांश समांतर सभी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व पश्चिम दिशा में चलते हुए एक दूसरे के समांतर वृत्तों का निर्माण करती हैं विशुवत् वृत्त शून्य डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा वृत्त है अतैव इसे बृहत वृत्त कहते हैं अन्य सभी समांतरों की लंबाई विशुवत वृत्त से दूर होने पर दोनों ध्रुवों नब्बे डिग्री उत्तर एवं दक्षिण तक घटती जाती है दोनों ध्रुवों पर ये केवल बिंदु हैं मुतवाजी खतूत बलद। वो तमाम फर्जी खतूत जो ज़मीन के गिर्द मशरक़ से मकरब में खींचे गए हैं और एक दूसरे के मुतवाजी दायरे बनाते हैं ख़ते इस्तिवा सिफर डिग्री अर्जुलबलद सबसे बड़ा दायरा है इसलिए इसे दायरा अकबर कहा जाता है खत इस्तेवा से दूर जाते हुए तमाम मुतवाजी खतूत का दायरा कम होने लगता है यहाँ तक कि नब्बे डिग्री शुमाल और जुनूब में वाकबैन सिर्फ बन कर रह जाते हैं पास, गैप और डिप्रेशन नैचुरल पैसेज फॉर मूवमेंट अक्रॉस माउंटेन्स एग्जाम्पल बनिहाल पास ऑन पीर पंजाल रेंज लिंक्स कश्मीर वैली विद जम्मू दर्रा या पास एक संकीर्ण अंतराल अथवा अवनमन जो पर्वतों के आर पार गतिशीलता के लिए एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है उदाहरणतया पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ता है दर्रा पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान एक तंग खला या नशेब जो पहाड़ों में कुदरती गुजरगा फराहम करता है जैसे पीर पंजाल के सिलसिले में बनीहाल दर्रा वादिय कश्मीर को जम्मू से जोड़ता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेस्ड ऑन रेयरिंग ऑफ एनिमल्स द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेयरिंग हर्बीवोरस एनिमल्स गोट

एवं अन्य पशुओं को मांस दूध ऊन एवं खाल के लिए प्रजनन एवं पालन पोषण की प्रक्रिया को पशुपाल्य खेती कहते हैं यह लघुस्तर आदिम पद्धति चलवासिता से लेकर अत्यधिक वैज्ञानिक उच्च स्तर जैसे रैंचन तक हो सकती है पेज 91 गल्लाबानी गल्ला बानी मवेशी परवरी पर मुनहसिर एक माशी सरगर्मी गोश्त दूध ऊन और चमड़े के लिए भेड़, बकरी और गाय भैंस जैसे सब्जी खोर जानवरों का पालना और उनकी अफजाइश नस्ल को गल्लाबानी काश्तकारी कहते हैं इसमें छोटे पैमाने के इब्तदाई निज़ाम खाना बदोशी से लेकर बड़े पैमाने के सबसे ज्यादा साइंसी निजाम जैसे रेंचिंग तक शामिल हैं एक्सक्लूसिव प्रोपराइटरी राइट ऑफ एनी आइडिया इनोवेशन एंड प्रोडक्ट पेटेंट या एकस्व किसी विचार परिवर्तन एवं उत्पाद का एक अन्य स्वामित्व अधिकार पेटेंट किसी ख्याल इख्तरा और पैदावार का इस तस्नाई हकीम पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन The manner in which people are spread over a given geographical area. जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप वह रीति जिससे लोग किसी भौगोलिक क्षेत्र में फैलते हैं कर्ज तकसीम आबादी किसी जोग्राफियाई इलाके में लोगों के बसने और फैलने का अंदाज पिन a comparatively narrow tract of land projecting into a sea and is surrounded by water on three sides. Example, Indian Peninsula. प्रायद्वीप एक अपेक्षाकृत संकीर्ण भूक्षेत्र जो समुद्र के अंदर बहिर्विष्ट है एवं तीन ओर से जल से घिरा हुआ है उदाहरण के लिए प्रायद्वीपीय भारत जजीर रहनुमा समंदर की जानीब निकला हुआ निस्पतन तंग जमीन का कित्ता जो तीन तरफ पानी से घिरा हो जैसे जजीर नुमा हिंदुलेशन द प्रोसेस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वॉटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी थ्रू द पोर्ज एंड ओपनिंग इन द सॉयल प्रोफाइल्स इट हैपन्स आफ्टर इन्फिल्ट्रेशन एंड सैचुरेशन ऑफ द सॉइल सर्फिस अंत श्रवण मृदा परिच्छेदिकाओं में छिद्रों एवं खुली जगह के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जल की नीचे की ओर गति की प्रक्रिया यह मृदा सतह के अंत स्यंदन रिसाव एवं संतृप्ति के पश्चात होती है जेरी रिसाव कशिशे सकल के ज़ेरी असर पानी का मिट्टी के तबक के सुराखों से नीचे जाने का अमल यह अमल मिट्टी की सतह में तख्तीर और भरपूर रतूबत के बाद होता है ियल रिवर रिवर्स हैविंग फ्लो ऑफ वॉटर थ्रू आउट दर मेनी ऑफ दीज रिवर्स आर स्नो फेड बट दे मे हैव अदर सोर्सेज एज वेल लाइक अ लेक और अ रीजन गेटिंग हाई रेनफॉल थ्रू आउट दर बारहमासी नदी नदियां जिनमें जल का प्रवाह संपूर्ण वर्ष रहता है इनमें से अनेक नदियां हिमजनित होती हैं किंतु इनके अन्य स्रोत भी हो सकते हैं जैसे झील अथवा वह प्रदेश जहाँ वर्ष भर उच्च वर्षा होती हो दाइमी नदी वो नदियाँ जिनमें साल भर पानी बहता रहता है इनमें से अक्सर नदियों में पानी बर्फ के पिघलने से आता है लेकिन बाज नदियों के पानी के दीगर जराए भी होते हैं जैसे कोई झील या वो इलाका जहां साल भर काफी बारिश होती है Permafrost. A condition existing below the ground in which the temperature of the rock materials has remained permanently below freezing point, Zero degrees Celsius. Such frozen conditions exist in glaciated high mountainous areas such as Himalayas and polar and subpolar zones. Sthai Tushar Bhumi. Bhumi ke niche ki ek sthiti. जिसमें शैल पदार्थों का तापमान स्थायी रूप से हिमांक शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है ऐसी हिमशीतित परिस्थितियाँ हिमनदित ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों जैसे हिमालय ध्रुवीय एवं अधोध्रुवीय क्षेत्रों में विद्यमान हैं दाई में यखबस्तगी सतह जमीन के नीचे ऐसी हालत जिसमें चट्टानी मादों का दर्ज हरारत हमेशा नुकतः इंजमाद सिफर डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है ऐसी इंजमादी हालतें ग्लेशियाई बुलंद पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं जैसे हिमालय और प्लैनेटरी व द विंड ब्लोइंग थ्रू आउट इन द सेम डायरेक्शन ओवर अर्थ सर्फिस these winds are guided by differences in atmospheric pressure bells the trade winds the westerlies and polar easterlies are its examples page 92 सदावाही पवने या भूमंडलीय पवन वे पवने जो वर्ष भर धरातल पर एक ही दिशा में बहती हैं यह पवने वायुमंडलीय दाब पेटियों में भिन्नताओं से नियंत्रित होती हैं व्यापारिक पवने पछुआ पवने एवं ध्रुवीय पूर्वी पवने इसके उदाहरण हैं दायमी या सैारी हवाएं सतह जमीन पर साल भर एक ही सिमत में बहने वाली हवाएं इन हवाओं की सिमत कुर्रे हवा की मुख्तलि दबावी पट्टियों से तय होती है तजारती हवाएं मगरबी हवाएं और मशरकी हवाएं इसकी मिसालें हैं। हैंमिटी रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस थ्रू अ पोर्स मीडिया पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम Permeability इज अफेक्टेड per by the डिग्री ऑफ इंटरकनेक्शन between the पोर्स पारगम्यता किसी विशेष समय पर प्रति इकाई क्षेत्र में सरंध्र माध्यम से तरल या गैस की गति की दर पारगम्यता रंध्रों के अंत संबंध की मात्रा से प्रभावित होती है नफूजियत मुकर्र वक्त पर फी इकाई रकबे में मसामदार जराय से किसी सयाल या गैस के गुजरने की शरह नफूजियत मसामों के दरमियान बाहमी रब्द की शिद्दत से मुतासर होती है पर्मिएबल रॉक्स पोरस रॉक्स थ्रू विच वाटर लिक्विड कैन पास मोरोलेस फ्रीली एग्जाम्पल सैंडस्टोन पारगम्य शैलें सरंद्र शैलें जिनमें से जल तरल प्रायः स्वच्छंदता से जा सकता है जैसे बलुआ पत्थर नफूजी चट्टाने मसामदार चट्टाने जिनसे होकर पानी आसानी से गुजर जाता है जैसे बलुआ पत्थर एच वैल्यू अ मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एनी सब्स्टेंस सच एज वॉटर एंड सॉइल अ पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन सेवन इज एसिडिक बिटवीन सेवन टू सेवन पॉइंट फाइव इज न्यूट्रल एंड मोर देन सेवन पॉइंट फाइव इज एल्कलाइन पीएच मान किसी भी पदार्थ जैसे जल एवं मृदा में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का माप पीएच स्केल का मान एक से चौदह होता है पीएच मान सात से कम अम्लीय सात से सात दशमलव पांच तक निष्प्रभावी एवं सात दशमलव पांच से अधिक क्षारीय होता है पीएच कदर पैमाई किसी भी मादे जैसे पानी या मिट्टी में हाइड्रोजन आयन के इर्तिकाज की पैमाइश सात से कम पीएच कदर तेजाबी होती है सात से सात आशार्या पांच के दरमियान गैर जानबदार और सात आशार्या पाँच से ज्यादा कलमी शोरा अल्कलाइन होता है फोटोसिंथेसिस द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स एल्गी एंड अदर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू मेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू टू दी एटमोस्फेयर एज अ बाय प्रोडक्ट प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हरित पौधे शैवाल एवं पर्णहरित वाले जीव सूर्य की रोशनी से ऊर्जा का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से जटिल जैविक यौगिक बनाने के लिए करते हैं इसके उपोत्पाद के रूप में वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ी जाती है जियाई तालीफ एक हयातियाती केमियाई अमल जिसमें हरे पौधे समंदरी काई और दीगर क्लोरोफिल वाले नामियात सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से पेचीदा नामियाती मुरक्कबात तैयार करते हैं ज़मीनी पैदावार की हैसियत से ऑक्सीजन निकलकर कर हवा में शामिल हो जाती है फाइटोप्लैंकन tiny floating plant microorganisms which provide the basic food needed by all forms of aquatic life. लाइफ पादप प्लवक लघु प्लवमान पौधे के सूक्ष्म जीव जो मूलभूत भोजन प्रदान करते हैं जो सभी प्रकार के जलीय जीवन के लिए आवश्यक हैं नबातियाती खुर्द अजविए बहुत छोटे तैरने वाले खुर्दबीनी पौधे जो हर तरह की आबी मखलूक को बुनियादी गजा फराहम करते हैं पाए डायग्राम अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल इन विच इट इज डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल वाइल द सर्कल रेप्रेजेंट द टोटल होल सेट ऑफ डेटा थ्री सिक्सटी डिग्रीज इट सेक्टर्स आर वर्कड आउट एज अ प्रपोर्शन टू द टोटल एंड कन्वर्टेड इंटू डिग्रीज एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ स्टील बाय डिफरेंट स्टेट्स कैन बी शोन एज पार्ट्स ऑफ द टोटल स्टील प्रोडक्शन इन द कंट्री वृत्तारेख वृत्त के रूप में आंकड़ों का आरेखी निरूपण जिसमें वृत्त खंडों में विभाजित होता है एवं संपूर्ण के कुछ भागों को चित्रित करता है जबकि वृत्त संपूर्ण अथवा आंकड़ों के पूर्ण समूह को चित्रित करता है इसके क्षेत्रक पूर्ण के अनुपात में बनाए जाते हैं एवं डिग्री में परिवर्तित कर दिए जाते हैं उदाहरण के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा स्टील का उत्पादन देश के संपूर्ण स्टील उत्पादन के भागों में दर्शाया जा सकता है पेज 93। थ्री पाई डायग्राम दायरे की शक्ल में आदादो शुमार की तस्वीरी नुमाइंदगी जिसमें किसी मजमुए की नुमाइंदगी करने वाला दायरा कई हिस्सों में मुनकसम होता है हालांकि दायरा आदाद शुमार के पूरे मजमुए तीन सौ डिग्री की नुमाइंदगी करता है इसके हिस्सों की पैमाइश कुल मजमुए के तनासब में की जाती है और इसे डिग्री में तब्दील कर दिया जाता है मसलन मुख्तलिफ रियासतों में फौलाद की पैदावार को मुल्क में फौलाद की मजमू पैदावार के हिस्सों के तौर पर दिखाया जा सकता है अर्जेंटली स्लोपिंग लैंड एट द फुट ऑफ द माउंटेन इट इज अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग द फुट ऑफ अ माउंटन गिरिपद पर्वत के पद पर मंद ढाल वाला स्थल प्रदेश अंग्रेजी भाषा का शब्द पिडमाउंट एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है पर्वत का पद दामने कोह पहाड़ के दामन में हल्के ढलान वाली जमीन फ्रांसीसी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है दामने कोह पिग आयरन। इट हैज डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द शेप ऑफ द मोल्ड दैट लुक्स लाइक अ पिग इन विच मोल्टन आयरन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नस फ्लोज इन टू एंड सॉलिडिफाइज कच्चा लोहा यह नाम पिग आयरन सांचे के आकार से लिया गया है जो पिग की भांति दिखाई देता है जिसमें झोंका भट्टी से पिघला लोहा आता है और जम जाता है ढलवा लोहा इसका नाम खंजीर की शक्ल के सांचे से माखूज है जिसमें यह ढाला जाता है फिशारी भट्टी से पिघला हुआ लोहा इसी से होकर गुजरता है और ठोस शक्ल इख्तियार करता है पिसिकल्च ब्रीडिंग ऑफ fishes इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड ponds. मत्स्य पालन विशेष रूप से बनाए गए तालाबों एवं तलैया में मछलियों का प्रजनन माही परवरी खसूसी तौर पर तामीर करदा पोखर या तालाब में मछलियों की अफजाइश नस्ल का पेशा प्लेन एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ प्लैट और जेंटली अंडुलेटिंग सर्फेस विदाउट प्रोमिनेंट हिल्स और डिप्रेशन दे मे बी ऑफ डिफरेंट ओरिजिन example डिपोजिशनल और स्ट्रक्चरल मैदान समतल अथवा मंद तरंगित सतह का विस्तृत क्षेत्र जहाँ उन्नत पहाड़ियां अथवा अवनमन्ना हो ये विभिन्न उत्पत्ति के हो सकते हैं जैसे अपर्दन निक्षेपण अथवा संरचनात्मक मैदान ये मैदान अपनी असल के एतबार से मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं जैसे कटावदार रसूबी या साख्तियाती। प्लान अ लार्ज स्केल ड्रॉइंग ऑफ अ वेरी स्मॉल एरिया एग्जाम्पल अ स्कूल अ क्लासरूम खाका अति लघु क्षेत्र का बृहत पैमाने पर आरेखण उदाहरणतया एक विद्यालय एक कक्षा प्लान एक बहुत ही छोटे कथा की बड़े पैमाने पर खाका बंदी Jesse school classroom planets celestial bodies including the earth which revolve around the sun in their orbits they are opaque bodies and shine only by reflected sunlight the solar system has eight planets mercury venus earth mars jupiter saturn uranus and neptune. सी ऑल्सो सोलर सिस्टम ग्रह पृथ्वी सहित खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमण करते हैं यह अपारदर्शी पिंड हैं जो केवल परावर्तित सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं सौर मंडल में आठ ग्रह हैं बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस एवं नेपच्यून देखें मंडल स्यारे बशमूल जमीन वो तमाम इजसाम फलकी जो अपने मदार में सूरज के चारों तरफ गर्दिश करते हैं ये गैर शफाफ अजसाम फलकी है और सिर्फ सूरज से मनक्स रोशनी से चमकते हैं निज़ाम शमसी में आठ सैारे हैं अतारित जहरा ज़मीन मेख मुश्तरी जहल यूरेनस और नेपच्यून मजीद देखें Nizami Shamsi Plantation Agriculture A large farm or estate on which a single crop like tea coffee sugarcane and rubber is grown for commercial purposes using scientific and efficient methods of farming the estate is managed by a manager involving considerable amount of organization and administration in this type of farming लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड रोपण खेती एक विशाल फार्म अथवा संपदा जिस पर एकल फसल जैसे चाय कॉफी गन्ना एवं रबड़ को वाणिज्य के उद्देश्य से वैज्ञानिक एवं दक्ष कृषि की पद्धति से उगाया जाता है संपदा की देखरेख प्रबंधक द्वारा की जाती है जिसमें बृहत पैमाने का संगठन एवं प्रशासन सम्मिलित है इस प्रकार की कृषि में बहुत मात्रा में श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है जरात वसी ज़ागीर, जिसमें तिजारत की गरज से जदीद साइंसी तरीकों का इस्तेमाल करके चाय कॉफी गन्ना और रबर जैसी एक फसल उगाई जाती है जागीर का इंतजाम मैनेजर करता है जिसमें तंजीम और नजमो नस्क का काफी दखल होता है इस तरह की काश्तकारी में बड़ी मकदार में मजदूर और सरमाई की जरूरत होती है प्लेटो अ लार्ज एलिवेटेड ट्रैक्ट ऑफ रिलेटिवली फ्लैट सर्फिस यूजली लिमिटेड ऑन एटलीस्ट वन साइड बाई अ स्टीप स्लोप एग्जाम्पल द टिबिटन प्लेटो द छोटा नगर प्लेटो पठार एक बृहत उन्नत भूभाग जिसमें सतह सामान्यतया समतल होती है एवं एक ओर तीव्र ढाल होता है उदाहरण के लिए तिब्बत का पठार छोटा नागपुर का पेज 94 पठार या सतह मुर्तफा नस्पतान हमवार सतह का एक बड़ा बुलंद कित्त जमीन जिसके एक में तेज ढलान हो जैसे तिब्बत का पठार छोटा नागपुर का पठार प्लेट टेक्टोनिक्स a scientific theory developed in the later part of the 20th century to explain the movement of the earth's surface over time according to this theory the lithosphere is composed of seven major and 12 minor rigid plates called tectonic plates they are moved by large scale thermal convection currents towards or away from each other it causes shifting of continents oceans फॉर्मेशन ऑफ माउंटन्स पॉल्ट अर्थक्वेक्स एंड पोल्केनिक इराप्शंस प्लेट विवर्तनिक एक वैज्ञानिक सिद्धांत जो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में समय के साथ भूपृष्ठ की गति को समझाने के लिए विकसित किया गया इस सिद्धांत के अनुसार स्थलमंडल सात मुख्य एवं बारह गौण दृढ़ प्लेटों से बना है जिन्हें विवर्तनिक प्लेट कहते हैं ये प्लेटें एक दूसरे के निकट अथवा दूर बृहत पैमाने की संवहन धाराओं द्वारा गतिशील हैं इनके कारण महाद्वीपों समुद्रों का स्थानांतरण पर्वतों का निर्माण भ्रंश भूकंप एवं ज्वालामुखी उद्भेदन होते हैं साख्त मानी प्लेट जमाने के लिहाज से सतह अर्ज की हरकत की तशरीह करने वाला एक साइंसी नजरिया जो 20वीं सदी के अवाखिर में पेश किया गया इस नजरिए के मुताबिक कशरे अर्ज की तरकीब सात बड़ी और बारह छोटी सख्त प्लेटों से हुई है ये साख्त मानी प्लेटें कहलाती हैं ये प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक या दूर वसी पैमाने की हरारती कन्विक्शन लहरों के जरिए हरकत करती हैं इनकी वजह से बर्रजमों और बहरेआज़मों का खिसकना पहाड़ों का बनना दरारें पड़ना जलजले और आतिश विशानी धमाका जैसी सूरत हाल पैदा होती है पोल्डर्स अ डच टर्म यूज फॉर फ्लैट ट्रैक्ट ऑफ कोस्टल लैंड रिक्लेम्ड फ्रॉम द सी बाई कंस्ट्रक्टिंग डाइक्स एंड पंपिंग आउट वाटर एन एक्सलेंट एग्जाम्पल इज द जुडर जी प्रोजेक्ट ऑफ द नेदरलैंड पोल्डर समुद्र तल के निकट ऊपर अथवा उससे नीचे समुद्र से प्राप्त किया गया थल क्षेत्र एक झील अथवा नदी मैदान जो डाइक का निर्माण करके और जल को बाहर निकालकर बना है इसका अति उत्तम उदाहरण नीदरलैंड में जुदैर जी परियोजना है पोल्डर ये डच जबान की इस्तेला है जिसका मतलब समंदर से हासिल की गई और सुधारी गई जमीन है सतह समर से नीचे होने की वजह से इसकी हिफाजत साहिल समंदर पर बांध बनाकर की जाती है जैसे नीदरलैंड का जाइडरजी प्रोजेक्ट इसकी एक अच्छी मिसाल है पोल्स टू एंड्स ऑफ द अर्थ एक्सिस फॉर्मिंग इट्स नॉर्दर्न नॉर्थ पोल एंड सदर्न साउथ पोल पॉइंट्स दीज आर ऑल्सो कॉल्ड जियोग्राफिकल पोल्स एंड देयर लोकेशंस डू नॉट कॉरस्पॉन्ड विद अर्थ्स मैग्नेटिक पोल्स ध्रुव पृथ्वी के अक्ष के दो सिरे जो इसके उत्तरी उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी दक्षिण ध्रुव बिंदु बनाते हैं इन्हें भौगोलिक ध्रुव भी कहते हैं एवं इनकी स्थिति पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों से मेल नहीं खाती है कुतुबैन जमीनी मेहवर के दोनों सिरे जो शुमाली कुतुब शुमाली और जुनूबी कुतुब जुनूबी नुकते हैं इनको जोग्राफियाई कुतुबैन भी कहा जाता है लेकिन इनका महलेवकूह जमीन के मकनातीसी कुतुबैन से मुनास्बत नहीं रखता पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ ह्यूम एनिमल्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम जनसंख्या किसी विशेष स्थान एवं समय पर मानव समूह प्राणियों अथवा जीवित जीवों की कुल संख्या आबादी किसी मुकर्रा वक्त और मकाम पर इंसानों जानवरों या दीकर जानदार नामियात सुमरे की कुल तादाद पॉपुलेशन चेंज चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम दिस चेंज कैन बी ब्रॉट इन थ्रू बर्थ एंड रेट्स एंड माइग्रेशन जनसंख्या परिवर्तन समय के दो बिंदुओं के बीच लोगों की संख्या में परिवर्तन यह परिवर्तन जन्म एवं मृत्यु दर तथा प्रवास से आता है पेज 95 तब्दीली आबादी वक्त के दो नुक्तों के दरमियान लोगों की तादाद में तब्दीली सुकूनत ये तब्दीली शरह पैदाइश शरह अमवात और हिजरत की वजह से होती है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन स्टेटिस्टिक्स ऑफ अ गिवन given एट अ स्पेसिफिक टाइम इन टर्म्स ऑफ एज सेक्स मैरिटल स्टेटस status, ऑक्यूपेशन occupation, लैंग्वेज फैमिली एंड हाउस होल्ड साइज एटसेट्रा जनसंख्या संगठन किसी विशेष समय में आयु लिंग वैवाहिक स्थिति साक्षरता व्यवसाय धर्म भाषा परिवार एवं परिवार के आकार इत्यादि के संबंध में प्रदत्त जनसंख्या के आंकड़े आबादी की साख्त किसी मखसूस वक्त में मतना आबादी की शुमारियात जो उम्र जिन्स अजदवाजी हैसियत ख्वानदगी पेशा मजहब जुबान खानदान और कुनबे के हजम के हवाले से की जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी The number of people per unit area, it is normally expressed as persons per square kilometer. जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या यह सामान्यतया व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में दर्शाई जाती है कसाफते आबादी फी इकाई रकबे पर लोगों की तादाद इसे आमतौर पर फी मुबा किलोमीटर पर बसने वाले अफराद की शक्ल में जाहिर किया जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एग्जाम्पल डेकेड, टेन ईयर्स सच अ चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आई द इन एब्सिल्यूट नंबर और एज परसेंटेज चेंज पर ईयर जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र में विशेष समयावधि में जनसंख्या में परिवर्तन उदाहरण के लिए एक दशक दस वर्ष इस प्रकार का परिवर्तन जन्म मृत्यु एवं प्रवास के कारण होता है इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिवर्ष परिवर्तन प्रतिशत में दर्शाया जा सकता है आबादी की नमो किसी इलाके में किसी खास मुद्दत मसलन दहाई दस साल के दौरान आबादी में तब्दीली ऐसी तब्दीली पैदाइश मौत और तब्दीली सुकूनत की वजह से होती है उसे मुतलक अदद या सालाना फीसद तब्दीली के तौर पर जाहिर किया जा सकता है वॉल्यूम ऑफ voids, पोर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मटीरियल soil और रॉक इट इज ऑलवेज expressed इन परसेंटेज सरंध्रता कुल पदार्थ मृदा अथवा शैल की मात्रा में छिद्रों की मात्रा यह सदैव प्रतिशत में दर्शाई जाती है मसामियत किसी मादे मिट्टी या चट्टान के कुल हजम में खला की जखामत या मकदार इसे हमेशा फीसद में जाहिर किया जाता है पोर्ट अ प्लेस वॉटर ट्रांसपोर्ट मोड इज इंटरकनेक्टेड विद अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इट हैज फेसिलिटीज फॉर एम्बॉकिंग एंड डिसंबार्किंग ऑफ पैसेंजर्स एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स एग्जाम्पल पारादीप पोर्ट पत्तन एक स्थान जहां जल परिवहन केंद्र परिवहन के अन्य साधनों से अंत संबंधित होता है यहां यात्रियों के उतरने चढ़ने एवं माल के लादने तथा उतारने की सुविधा उपलब्ध होती है उदाहरणतया पारादीप पत्तन बंदरगाह वो जगह जहाँ आबी हमल का बाहमी रब्द नकलो हमल के दीगर ज़राए से होता है यहाँ मुसाफिर और सामान को चढ़ाने और उतारने की सहूलत होती है मसलन पारादीप बंदरगाह पोटेंशियल रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन एट प्रेजेंट बट मे सर्व द फ्यूचर संभावी संसाधन संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा का वर्तमान में ज्ञान न हो किंतु वे भविष्य में आवश्यकता पूरी कर सकते हैं इम्कानी वसाइल वो वसाइल जिनकी कुल मकदार इस वक्त मालूम नहीं है लेकिन मुस्तबिल में कार आमद हो सकते हैं प्रेरी द एक्सटेंसिव टेम्परेट ग्रासलैंड टू द ईस्ट ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका These are characterized by annual rainfall between 25 to 50 फिफ्टी mostly during summer, which is ideal for growth of grasses. Prairie, उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों के पूर्व में विस्तृत शीतोष्ण घास स्थल इनकी विशेषता मुख्यतः ग्रीष्मकाल में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा है जो घास की वृद्धि के लिए अनुकूल है प्रेरी। शुमाली अमेरिका के ग्रेट प्लेन के मशरक में मतदला का वसी घास का मैदान इसकी खूसियात में पच्चीस से पचास सेंटीमीटर सालाना बारिश शामिल है जो ज्यादातर मौसम गर्मा में होती है और घास के उगने के लिए बेहतरीन है प्रेसिपिटेशन फॉलिंग ऑफ वाटर आइदर इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द क्लाउड्स टूवर्ड्स द अर्थ इट इंक्लूड्स ड्रिजल रेन स्नो ड्यू एंड हेल वर्षण मेघों से धरती की ओर जल का ठोस अथवा तरल अवस्था में गिरना इसके अंतर्गत फुहार वर्षा हिम एवं ओले आते हैं तरसीब बादलों से जमीन की तरफ ठोस या सयाल शक्ल में पानी का गिरना इसमें बूंदाबांदी बारिश बर्फ जालाबारी और ओस शामिल है प्रिवेलिंग विंड्स प्रिफर टू परमानेंट विंड्स सनातन पवने देखें भूमंडलीय पवने गालिब हवाएं देखिए दाइमी हवाएं प्राइमरी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कनेक्टेड विद कलेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एग्जांपल हंटिंग एंड गैदरिंग माइनिंग एंड कोरिंग फार्मिंग फिशिंग एटसेट्रा पेज 96 सिक्स प्राथमिक क्रिया आर्थिक क्रियाएं जो प्राकृतिक संसाधनों के एकत्रण एवं निष्कर्षण से जुड़ी हैं उदाहरण के लिए आखेटन एवं संग्रहण खनन एवं आखनन कृषि मत्स्यन इत्यादि इब्तदाई सरगर्मी कुदरती वसाइल निकालने और उन्हें जमा करने से मुताल माशी सरगर्मियां जैसे शिकार करना और गजा इकट्ठा करना कानकनी और खुदाई करना काश्तकारी और मछली पकड़ना वगैरह प्राइमरी फूड प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स लाइक सीरियल्स पल्स ऑयल सीड्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स एट्सेट्रा दैट आर ओबेन डायरेक्टली फ्रॉम द सॉयल प्राथमिक खाद्य उत्पाद उत्पाद जैसे अनाज दालें तिलहन फल सब्जियां इत्यादि जो सीधे मृदा से प्राप्त किए जाते हैं इब्तदाई गजाई पैदावार अनाज दलहन तिलहन फल सब्जियां वगैरह जैसी पैदावार जो बराह रास्त मिट्टी से हासिल की जाती है प्राइमरी इंडस्ट्री रिफर टू बेसिक इंडस्ट्री प्राथमिक उद्योग देखें मूलभूत उद्योग इब्तदाई सनत देखें बुनियादी सनत प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्लांट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जू प्लैंकटन विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम द नेचुरल और फिजिकल एनवायरमेंट प्राथमिक उत्पाद पौधे एवं अन्य सूक्ष्म जीव प्राणी प्लवक जो प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इब्तदाई पैदाकार पौधे और दूसरे खुर्द नामियात, खुर्द हैवानात जो कुदरती या तबीयी माहौल से अपनी ग़ा खुद तैयार करते हैं प्राइमरी सेक्टर व प्राइमरी एक्टिविटीज आर कैरड आउट प्राथमिक सेक्टर जहां प्राथमिक क्रियाएं की जाती हैं इब्तई जुमरा वो जुमरा जिसमें इब्तदाई माशी सरगर्मियां अंजाम दी जाती है प्राइम मेरिडियन द जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनिच द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड प्रमुख याम्योत्तर ग्रीनिच से गुजरती हुई शून्य डिग्री देशांतर जहां ब्रिटिश रॉयल वेधशाला स्थित है खते निस्फुल नहार ग्रीन से गुजरने वाला सिफर डिग्री अर्जुल बलत जहां बरतानवी शाही रसदगाह वाक है प्रिमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर अ टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस बाय अ कम्युनिटी ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो टाओ एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली एंड कम्युनिटी लेबर इट डिपेंड्स टोटली ऑन द नेचुरल कंडीशंस रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल इट इज फॉर द कंजम्पशन ऑफ फैमिली और कम्युनिटी आदिम जीविका कृषि एक प्रकार की कृषि जो एक समुदाय द्वारा आदिम औजारों जैसे फावड़ा टाव एवं खोदने वाली छड़ियों द्वारा परिवार एवं सामुदायिक श्रम की सहायता से भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है यह पूर्णतया प्राकृतिक अवस्थाओं वर्षा एवं मृदा की उर्वरता पर निर्भर करती है यह परिवार या समुदाय के उपभोग के लिए है कदीम गुजारा जरात एक किस्म की काश्तकारी जो कोई मुआरा छोटे कतय अराजी पर कुदाल दाब और खंती जैसे कदीम औजारों और खानदान और माशरे से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों की मदद से अंजाम देता है ये काश्तकारी मुकम्मल तौर पर कुदरती हालात यानि बारिश और मिट्टी की जरखेजी पर मुनहसिर और खानदान या गिरोह के खर्च के लिए होती है प्राइवेट सेक्टर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और कंपनीज निजी क्षेत्र सभी आर्थिक क्रियाएं जिनका स्वामित्व एक व्यक्ति व्यक्तियों के समूह अथवा कंपनियों के अधीन होता है एवं उन्हीं के द्वारा संचालित एवं नियंत्रित की जाती हैं निजी जुमरा वो तमाम माशी सरगर्मियां जिनकी मिल्कियत इंतजाम और नज्म जब्त अफराध अफराध की जमात या कंपनी के हाथों में होते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और कंपनीज एग्जाम्पल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निजी क्षेत्र उद्योग उद्योग जिनका स्वामित्व एक व्यक्ति व्यक्तियों के समूह अथवा कंपनियों के पास होता है तथा वे उन्हीं के द्वारा संचालित किए जाते हैं उदाहरणतया टाटा लोह एवं इस्पात उद्योग टिस्को निजी जुमरा सनते वो सनतें जो अफराध अफराद की जमात या कंपनी की मिल्कियत में होती हैं और इन्हीं के जरिए चलाई जाती हैं जैसे टाटा आयरन और स्टील कंपनी टिस्को पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज ओन्ड और मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट एग्जांपल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एच स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल एट्सेट्रा सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग उद्योग जिनका स्वामित्व एवं नियंत्रण राज्य द्वारा किया जाता है उदाहरण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एच स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल सरकारी जुमराह सनतें वो तमाम सनतें जिनकी मिल्कियत इंतजामो इंसराम और नज्मो जब्त रियासत या सरकार के हाथों में होती हैं जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वगैरह। पूर्वाचल बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड रन इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया नोन एज पूर्वाचल पेज 97 सेवन पूर्वाचल पर्वत दिहांग गॉर्ज के पार हिमालय पर्वत तीव्रता से दक्षिण की ओर मुड़ते हैं एवं उत्तर दक्षिण दिशा में भारत की पूर्वी सीमा के साथ साथ हैं पूर्वाचल कहते हैं पूर्वाचल दिहांग गहरी खाई के बाद हिमालयाई सिलसिला जो तेजी से जुनूब की तरफ मुड़ते हुए हिंदुस्तान की मशरकी सरहदों के साथ शुमाल जुनूब की सिमत इख्तियार कर लेता है उसे कहते है। पूर्वाचल कहते हैं पूर्वांचल the geographical area to the east of the Tista River. The area comprises of all the seven states of northeast India, five northern districts of West Bengal and parts of Sikkim. Purvanchal Pradesh Teesta Nadi ke Purv ka Bhogolik Kshetra इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के सात उत्तर पूर्व के राज्य पश्चिमी बंगाल के पांच जिले एवं सिक्किम का भाग आता है पूर्वांचल तीस्ता नदी के मशरक में वाक़ जोग्राफियाई खत्ता इस खत्ते में शुमाल मशरक़ी हिंद की सातों रियासतें मगरबी बंगाल के पांच अजला और सिक्किम के कुछ हिस्से शामिल हैं लेटर पी ऑफ ट्रायलिंग डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी फॉर स्कूल्स एंड रेड बाय नीरज यादव एंड सुम्बुल शकील यू एर जस्ट लिस्निंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन राजेश निमेश, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन प्रोफेसर सविता सिन्हा प्रोजेक्ट एडवाइज डॉ भारती कौशिक टेक्निकल कोऑर्डिनेशन बटीलैंग लिंगडो फ्रेमवर्क एडवाइज अजीत होरो एसिस्टेंस इन प्रोडक्शन कुसुम लता प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय वंदना अरिमर्दन एंड दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू बाय सी आईईटी न्यू डेल्ही इंडिया